वेलकम बैक मेरे नन्ही मुन्नु, आप सभी का अंकुर की कहानियों की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार मैं यानी कि आपकी विनीता दीदी आप सबके लिए हमीदा की कहानी लेके आई है। अब आप पूछोगे, दीदी ये हमीदा कौन है? तो सुनो ये कहानी। कहानी का शीर्षक है हमीदा का नया साल, जिसे लिखा है एशनी सैनी ने। साभार, नन्ही सम्राट, जनवरी 2018। दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में हमीदा स्कूल से वापस आई और दौड़कर अपने अब्बा के गले लगकर बोली, देखो अब्बा, हमने स्कूल की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राशिद अपनी बेटी की इस सफलता को देखकर बहुत खुश हुए और बोले, शाबाश बेटा, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। फिर उन्होंने हमीदा से कहा कि वो खाना खाकर कुछ देर खेल ले। अब्बा की बात सुनकर हमीदा ने एक प्लेट में सब्जी डाली और रोटी के साथ खाने लगी। राशिद उसी कमरे में टेलर का काम करते थे। राशिद का हमीदा के अलावा कोई नहीं था। उसकी पत्नी रेशमा बीमारी के कारण चल बसी थी। राशिद को हमीदा से बेहद उम्मीदें थी। हमीदा 8वीं कक्षा में एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और हमेशा प्रथम आती थी। इसके साथ वो अन्य गतिविधियों में भी हमेशा आगे रहती थी। हमीदा किशोरावस्था में ही बेहद परिपक्व हो गई थी। वो अपने घर की आर्थिक स्थिति से वाकिफ थी, इसलिए वो राशिद को कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहती थी जिससे कि उन्हें दुख हो। उसकी सहेलियों के पास ढेर सारे खिलौने व नई नई ड्रेसें थी, लेकिन फिर भी हमीदा उनसे किसी चीज की होड नहीं करती थी और जितना उसके पास था उसी में संतुष्ट रहती थी। एक दिन उनके स्कूल में अध्यापिका ने कहा, इस बार का नव वर्ष हम सभी पिकनिक मनाकर शुरू करेंगे और इसके लिए आप सभी नए कपड़े पहनकर आएंगी, साथ ही अपने घर से एक एक खाने की चीज बनाकर लाएंगी। पिकनिक का स्थल इंडिया गेट रखा गया। हमीदा की कक्षा की सभी लड़कियां ये सुनकर खुशी से झूम उठी और पिकनिक के लिए नई नई योजनाएं बनाने लगी। अब स्कूल में सभी अपने नए नए कपड़ों के बारे में चर्चा करती और योजनाएं बनाती कि पिकनिक पर वो क्या क्या लेकर आएंगी। सभी सहेलियों की जोश भरी बातों ने हमीदा का मनोबल गिरा दिया और उस दिन वो घर जाकर बिना कुछ कहे पलंग पर लेट गई। हमीदा को चुपचाप व अचानक लेटे देखकर राशिद समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने प्यार से हमीदा को उठाया और बोले, बेटे क्या बात है, मेरी बेटी तो कभी भी मुझसे नहीं रूठती, फिर आज अचानक क्या हो गया? अब्बा की बातें सुनकर हमीदा ने अपने पिता की ओर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोली, अब्बा हम नाराज नहीं हैं, बस हमारा जी अच्छा नहीं था इसलिए लेट गए, हम अभी खाना लगाते हैं। इसके बाद वो उठकर बाथरूम में चली गई। राशिद बिना कहे ही अपनी बेटी की हालत समझ गया। जब दोनों ने खाना खा लिया तो राशिद बोले, बेटी नया साल आने वाला है, इस नए साल पर मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अब्बा की बात सुनकर हमीदा ने एक टक अपने पिता की ओर देखा और फिर बुझे स्वर में बोली, अब्बा आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे स्कूल में नववर्ष के दिन पिकनिक का आयोजन किया जाएगा और इस अवसर पर सभी को नए कपड़े पहनने हैं और साथ ही अपने घर से कुछ बनाकर ले जाना है। घर से कोई न कोई पकवान तो मैं बना ही लूंगी, लेकिन मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। ये कहकर हमीदा रुआसी हो गई। ये सुनकर राशिद बोला, बस इतनी सी बात, अब देख मैं तेरे लिए 2 दिन में ही ऐसी सुंदर ड्रेस बनाऊंगा कि तेरी सारी सहेलियां दंग रह जाएंगी। राशिद का टेलरी के मामले में कोई मुकाबला नहीं था। वो बहुत ही सुंदर टिकाऊ कपड़े सिलता था
और अब तो वो फैशनेबल कपड़े भी सिलने लगा था। उसने अपनी बेटी के लिए गुलाबी रंग का सिल्क का कपड़ा खरीदा और फिर उसे अपनी बेटी के नाप के अनुसार एक मिड्डी की शेप में काटा। सुंदर गला व डिजाइन बनाकर उसने शीशे व सितारों को गले, बाहों व मिड्डी के कोने पर टांग दिया। जब पूरी ड्रेस बनकर तैयार हो गई तो हमीदा खुशी से चहक उठी। वो उस मिड्डी को पहनकर किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी गुलाबी रंगत पर सुनहरे रंग की सलमे सितारों से जड़ी मिड्डी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो ये देखकर फूली न समाई। नव वर्ष के दिन हमीदा उसी मिड्डी को पहनकर व अपने साथ ढेर सारी सेवैयां लेकर स्कूल में गई तो उसकी सहेलियों समेत सभी अध्यापिकाएं भी उसे एक टक निहारती रहीं। सभी को उसकी ये ड्रेस बेहद पसंद आई। उसकी सहेलियां व कुछ अध्यापिकाओं ने ये भी निश्चय कर लिया कि वो हमीदा के पिता से बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस सिलवाएंगी। ये सुनकर हमीदा बेहद खुश हुई। उसे लगा कि उसके पिता बेहद समझदार हैं, जिन्होंने कम रुपयों में उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तैयार की है। उसका दिल नववर्ष के दिन खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसके पिता को अब ढेर सारा काम मिलने वाला था। उसे उम्मीद थी कि अगले नववर्ष पर वो और उसके पिता अपनी सारी चिंताओं व गरीबी को दूर कर लेंगे।